हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा बट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। जी हाँ, ए, एन और द का यूज कहाँ और कैसे करते हैं उसको जानने के लिए आप ही हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारे इंग्लिश वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मैं जस्सी आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमें अपने आर्टिकल्स का यूज करना होता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप लोगों को अपने आर्टिकल्स यूज करने होते हैं। बेसिकली हमारे तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन इनको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है, जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो सारी कंफ्यूजन अभी हम दूर करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो होते कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि हमारा ए, एन और द, ये हमारे तीन आर्टिकल्स होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स के फैक्ट्स, यानी कहां आपको यूज करना है और कहां आपको यूज नहीं करने हैं ये आर्टिकल्स। पहली बात तो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे दो ही आर्टिकल होते हैं, लिखे ये तीन है बट देखो हमेशा हम दो काउंट करते हैं। कैसे? जो ए और एन होते हैं ये दोनों होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, इन दोनों का ही मतलब होता है एक, ठीक है। और ये जो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ये होता है नॉन स्पेसिफिक, मतलब जिसका हमें आइडिया नहीं होता, तो ये होते हैं हमारे नॉन स्पेसिफिक, मतलब हमने कभी भी किसी चीज के लिए इंडिकेट नहीं किया कि हाँ वही वाला, तो ये हमने पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में हम बात नहीं करते हैं, उसको हम स्पेसिफिक नहीं मानते हैं। लेकिन जो हमारा द होता है ये है एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम मानते हैं स्पेसिफिक, यानी पर्टिकुलर। जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे तो वहां पर हमारा द लगेगा, उसके हम एग्जाम्पल ले लेंगे कैसे हमें करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, शायद आप लोगों को ये चीज पता भी होगी अच्छी तरीके से। जो हमारे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स हैं, टोटल होते हैं हमारे 26, जिसके अंदर 5 होते हैं हमारे वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू, जो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। जो हमारे वोवेल होते हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं स्वर, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं व्यंजन हिंदी के अंदर। फाइन, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे लेट्स रीड द बुक, अब अगर मैंने द बुक की बात करी तो मैंने क्या हुआ, ये मेरी एक स्पेसिफिक बुक है जिसको मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं यूज करता हूं लेट्स रीड अ बुक, तो यहां पर हम कोई भी रैंडम बुक, यानी एनी रैंडम बुक की हम बात कर रहे हैं, कोई भी बुक लेके हम पढ़ सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कहां हमें ए यूज करना है, कहां हमें एन यूज करना है और कहां हमें द यूज करना है। तो हम अपना फर्स्ट आर्टिकल अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ए का यूज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ए जो है हमारा एक नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल है और ए का मतलब होता है एक। फाइन, अब हमें ए यूज कहां कहां करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ए जो यूज करना है उन सभी वर्ड्स के पहले यूज करना है जिस जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, जैसे ए बॉय, अ कैट, अ हाउस, अ मैन, इन सबके पहले मैंने ए लगाया क्योंकि ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। फाइन, इसलिए हमने इनसे पहले ए लगा दिया और ए का मतलब लग गया तो हमेशा हम एक की बात ही करेंगे, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा हमारे। दूसरा हमें यूज करना है जो हमारा वोवेल है ई और यू। जी हाँ, उससे पहले भी हम ए लगाएंगे। अब आप बोलेंगे ई और यू जो हमारे वोवेल होते हैं उनसे पहले तो हमेशा एन लगाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपको ए यूज करना है वोवेल ई और यू। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी हमारे वर्ड्स इनिशियल साउंड देते हैं हमें हिंदी वाले यू यानी य का, फाइन, और उनके वर्ड्स जो शुरू होते हैं हमारे वो वोवेल ई और यू से शुरू होंगे तो वहां हमेशा हमारा लगेगा क्या ए, एन नहीं लगाना आपको। तो मैंने क्या बोला कि साउंड को आपको ध्यान रखना है, हमारे पास ये यू का साउंड आना चाहिए हिंदी वाले यू का। जैसे एग्जांपल है यहां पर ए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो यू का साउंड आ गया, जैसे मैं आपको पहले बताया था यूनिफॉर्म, यूनियन, अब यूरोपियन, इन सभी में हमारा हिंदी वाला यू का साउंड आया है इसलिए मैं यहां पर इनके साथ ए लगा रहा हूं। लेकिन अगर मेरा यहां पर अम्ब्रेला होता तो वहां पे मेरा अ का साउंड आ रहा है तो मेरा वहां पर एन लगेगा, वो हम आगे देखते हैं कैसे कर रहे हैं हमें। तीसरा जो हमारा यूज है यहां पर वो हमें वोवेल ओ से
से शुरू होने वाले शब्द जिनमें हिंदी वाला व का साउंड आएगा वहां भी हमें ए लगाना है. फाइन, जैसे एग्जांपल है ए वन आइड मैन, तो यहां पे वन जो हुआ हमारा वो व आ गया. ऐसे ही ए वन रुपी नोट. फाइन, मैंने आपको तीन एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर आपको अपना आर्टिकल ए का यूज करना है. आप इन तीनों एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान रखना ताकि आप कभी भी एरर ना करो अपने सेंटेंसेस को बनाते हुए और ए आर्टिकल का यूज करते हुए. फाइन, अब हमने ए तो कर लिया, आइए अब हम मूव करते हैं एन. कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है उसको हम देखते हैं. ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना आर्टिकल एन. ये इसका मतलब भी हमारा एक ही होता है और ये भी हमारा एक नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल है. ये भी हमेशा हमारा सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाएगा. अब ये एन यूज हमारा होगा कहां का? सबसे पहला तो इसका जो यूज होगा उन सभी वर्ड से पहले जो हमारे वोवेल्स से शुरू होते हैं. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वोवेल हमारे टोटल 5 होते हैं, जैसे एन एप्पल, एन इंकपॉट, एन आई, एन अम्ब्रेला. ये सारे हमारे वो वर्ड्स है जो हमारे वोवेल से शुरू हो रहे हैं. वोवेल्स का एक साउंड होता है, ये साउंड है अ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ ओ. यानी कभी भी आपको वर्ड्स इन साउंड से स्टार्ट होते हुए मिलते हैं तो आप ब्लाइंडली वहां पर एन लगा सकते हैं अगर ये साउंड्स आपको आते हैं इनिशियली किसी भी वर्ड में. ठीक है, दूसरा हमारा यूज है, आपको एन यूज करना है शॉर्ट फॉर्म्स के साथ जो हमारी कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होती हैं. जैसे हमारा यहां पर लिखा हुआ है एम ए. अब एम ए हमारा एम जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इससे पहले मेरा एन लग गया. जैसे ये एमएलए है, इससे पहले भी मेरा एन लग गया. रीजन ये है कि अगर हम एम लिखेंगे तो हमारा एम में साउंड जो हमारा वोवेल का आ रहा है ऐसे ही हमारे यहां पे भी आ रहा है. लेकिन जब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूं फुल फॉर्म में, फाइन, जब मैं इनकी फुल फॉर्म बनाऊंगा तो वहां हमारा ए आ गया. जैसे एम ए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो यहां पर मास्टर में मेरा जो साउंड आ रहा है इनिशियल साउंड जो है मेरा वो कॉन्सोनेंट का हो गया, इसलिए मेरा यहां पर ए लग गया. सेम ऐसे ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फुल फॉर्म होती है हमारी एमएलए की, तो हमारा यहां पर भी मेंबर म का साउंड आ गया हमारा जो हमारे कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने यहां पर ए लगाया. लेकिन इनकी शॉर्ट फॉर्म्स में मेरे पास जो साउंड आ रही थी वो मेरे पास वॉवेल का साउंड आ रहा था इसलिए मैंने यहां पर एन लगाया था. तो दो यूज हो गए हमारे. अब हम तीसरा यूज देखते हैं इसका. हमें जब भी एच मिलता है किसी भी वर्ड के इनिशियल में तो कई जगहों पर हमारा जो एच होता है वो साइलेंट होता है, तो हम एच साइलेंट के बाद मोस्टली हमें जो है क्या मिलेंगे, हमें वोवेल साउंड्स मिलेंगे, तो हम वहां पर अपना एन लगाएंगे. ये होता क्यों है, यहां लिखा हुआ इट इज बिकॉज ऑफ वर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम. ये वर्ड्स क्या है, अलग अलग कंट्रीज से बनाए गए हैं, उसकी वजह से क्या होता है उनकी जो अपनी प्रोनंसिएशन है उसके डिफरेंस की वजह से ही यहां पर ऐसा होता है. जैसे यहां कुछ एग्जांपल लिखे हुए, जैसे एन ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, गुडेल हो गया, ऑनर हो गया, इन सबसे पहले मैंने क्या किया है एन लगाया क्योंकि इनमें सभी में मेरे जो एच है ये साइलेंट है. ठीक है ना, अब साइलेंट होने का रीजन क्या है, जैसे ये ऑनेस्ट और आर ये हमारे फ्रेंच प्रोनंसिएशन है और जो हमारा गुडेल है और जो हमारा ऑनर है ये हमारी स्पेनिश प्रोनंसिएशन है. फाइन, अच्छा होटल को आप एन होटल भी लिख सकते हैं और ए होटल भी लिख सकते हो, इसका दोनों ही यूज चलता है क्योंकि कई जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है हमारी प्रोनंसिएशन के ऊपर कि हम कैसे चीज को प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो स्पेनिश में अगर आप इसको करते हो तो हमेशा यहां पर क्या होगा, होटल पढ़ा जाएगा ये, तो यहां पर हमेशा एन आया, एन होटल. वैसे आप हिंदी में अगर बोलते तो हम होटल बोलते तो उसमें हमारा ह का पूरा साउंड आता है, तो यहां पर हम ना ए भी लगा सकते हैं. तो ये तीन यूज मैंने आपको बताए हैं जहां पर आप अपना एन का यूज कर सकते हैं जो हमारा एक वोवेल के साथ तो लगता ही है, प्लस उसके अलावा दो और मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं जहां पर आप अपने एन का यूज कर सकते हैं. तो अब हमारे दो हो गए आर्टिकल, अब हम मूव करते हैं कि हमें अपना द कहां यूज करना है. फाइन, ओके, अब हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ द. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि द जो है हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये कहां कहां यूज होगा उसके बारे में आपको बता देता हूं. सबसे पहले तो जो द है आपको वो यूज करना है किसी भी स्पेसिफिक नाउन के साथ. जब भी आप द किसी नाउन के साथ लगाते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक की बात करते हैं. जैसे हमारे यहां एग्जांपल है हु इज द बॉय, यानी कौन है लड़का, तो वो हम एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं. या कोई हमारे यहां पर आता है कोई भी ग्रुप हो कोई भी कास्ट, जैसे द डॉग इज अ लॉयल एनिमल,
तो कोई भी जो डॉग है उसकी जो कैटेगरी है, उनकी जो कास्ट है, उनकी जो ब्रीड है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? लॉयल होते हैं। या अगर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे द पुलिस हैड अराइव्ड सून, जो पुलिस है वो जल्दी आ गई थी, तो हमने किसकी बात करी? ग्रुप की। तो उसके लिए भी उनसे पहले हमारा क्या लग गया? द। इसके अलावा अगर हमारा आता है नॉन काउंटेबल नाउन, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जैसे द वॉटर, द मिल्क, इनसे पहले भी हमेशा हमारा क्या लगेगा? द। इसके अलावा कोई भी अगर रिवर की बात करते हो तो उससे पहले हमारा द लगे, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। कोई भी ओशियन है उससे पहले भी हमारा द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। कोई भी हमारा सी है उसके साथ भी हमारा द लगे, जैसे द अरेबियन सी। कोई भी हमारी यूनिवर्सल थिंग्स जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, उन सबसे भी पहले हमने द का ही यूज किया है। कोई भी अगर हमारी रेलवे है जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द लगा दिया हमने इसके लिए। कोई भी हमारी हाई रैंक्स होंगी जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, हम हमेशा उनके साथ हाई रैंक के साथ क्या लगाएंगे? द। इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, हम क्या लगाएंगे? द। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर है हमारा, द इंडिया टुडे, ये हमारी एक मैगजीन हो गई। ठीक है, इन्हीं के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें द कहां नहीं लगाना है। यहां तो हमने आपको बताया कि द आपको लगाना कहां है, कुछ यहाँ पे चीजें हैं जहां पर आपको द कभी नहीं लगाना। कई लोग लगा देते हैं, बट आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कहां पे हमें द यूज नहीं करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है डोंट यूज द बिफोर फॉलोइंग। अगर कभी भी आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं तो वहां पे आपका द नहीं लगेगा, जैसे कैट्स, विमेन, हाउसेस, इनसे पहले कभी भी आप द नहीं लगाओगे। अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो हमेशा आपका द लगेगा, क्योंकि वो हमारा स्पेसिफिक बन जाएगा। कोई भी अगर नाम होता है उससे पहले भी कभी आपका द नहीं लगेगा। जैसे हॉलीडेज है, द क्रिसमस नहीं बोलना आपको, द होली नहीं बोलना आपको। कोई भी अगर कंट्री है उसके नाम से पहले भी कभी आपका द नहीं लगेगा। कंपनीज के नाम से पहले कभी द नहीं लगेगा आपका। कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हम द हिंदी या द इंग्लिश नहीं बोल सकते कभी भी। इसके अलावा नॉन काउंटेबल नाउन्स जो है हमारा, जैसे चॉकलेट है, लंच है, म्यूजिक एटसेट्रा, कोई भी हमारे ऐसे नॉन काउंटेबल नाउन्स आते हैं, इनके साथ कभी भी आप द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ही कंट्रीज के नेम और कुछ हमारे काउंटेबल चीजें हैं जिनके साथ आपका द फिक्स होता है, और ये कहां लगेंगे वो मैं आपको और बता देता हूं। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कुछ हमारे यहां पर एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आपका द कंपल्सरी आएगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट से पहले हमेशा आपका द आएगा, चेक रिपब्लिक से पहले हमेशा आपका द आएगा, फिलीपींस से पहले आपका द आएगा। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं कंट्री की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिया के साथ भी लगा लूंगा या चाइना के साथ लगाऊंगा, कभी भी चाइना के साथ द नहीं आएगा। ठीक है, इनके साथ ही आएगा। इसके अलावा कुछ हमारे एक्रोनिम्स होते हैं। एक्रोनिम्स का मतलब होता है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये जैसे द FBI, द CIA, ये कंपलसरी है, इनके साथ ये आएगा ही आएगा। फाइन, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर हमारा आर्टिकल का जो पार्ट है पूरा हमने फिनिश कर दिया। मैंने आपको बता दिया कहां आपको ए का यूज करना है, कहां एन का यूज करना है, कहां आपको द का यूज करना है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे आप कभी भी एरर नहीं करेंगे अपने ए एन द के यूज में। फाइन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।